मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नव निर्मित स्टेडियम का नामकरण, 4 नव निर्मित भवनों का लोकार्पण, 3 भवनों का विस्तार और जीर्णोद्धार एवं परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय परिषद, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय परिसर में हमारे बीच हैं। इस विश्वविद्यालय की इसी क्रम में विश्वविद्यालय महिला क्लब की अध्यक्षता श्रीमती वंदना सिंह धर्मपत्नी माननीय कुलपति जी से सादर अनुरोध है कि आप नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। एकदम पैदल चलता है। 6 महीने पहले जो अगले एकेडमिक कैलेंडर के लिए, अगले साल के एडमिशन के लिए इस मई फरवरी में हमारा डिसाइड हो गया है और एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव हो गया है। सर, हमारा यही मानना है कि हर एक संस्थान में एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास होते हुए कर दूर सब अज्ञान को माँ सरस्वती वरदान होता है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। मैं पिछली बार भी कहा था कि हमारी सोच स्थानीय स्तर को कैसे हम उस प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकते हैं, इसको लेकर के हमारे जो यूथ हैं उस यूथ के पास नया स्टार्टअप स्थापित करने के लिए एक मदद है। वह एक नए आइडिया के साथ में, एक इनोवेशन के साथ में काम करना चाहता है और खासतौर पर हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आज का है वह है सॉलिड वेस्ट का। आप किसी भी शहर में चले जाइए, मुझे लगता है आज की पीढ़ी से ज्यादा प्रभु तो वह पीढ़ी थी। भारत को योग्य नागरिक देने के साथ ही वह भविष्य में मिलने वाली भारत की आजादी के फलस्वरूप इस देश को प्रत्येक फील्ड के, प्रत्येक क्षेत्र के योग्य और सक्षम नागरिक भी दे सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस सोच की उपस्थिति और जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, लेकिन 1916 में ही काशी में एक ऐसे विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्र की स्थापना का मैं केवल सपना देखा तो उसे साकार करके दिखा दिया। उस मनीषी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण स्वाभाविक रूप से इस संस्थान से पढ़ने वाले या इस संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक आचार्य और प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए स्वयं ही एक आदर्श प्रेरणा का केंद्र भी बनकर के उभरता है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक देश और दुनिया में बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट दिए हैं। स्वाभाविक रूप से जब विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, कभी यह क्षेत्र शहीद बंधु सिंह की रियासत का पार्ट रहा होगा, आज उनके नाम पर स्टेडियम का नामकरण हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं विश्वविद्यालय परिवार को इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय तकनीकी क्षेत्र में देश के अंदर एक बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से देश की युवा ऊर्जा को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में
जो प्रयास कर रहा है इसको और आगे बढ़ाने में सफल होगा। वरिष्ठ पुलिस